है एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम टू सीखाज मेक ओवर फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा मेकअप लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो सीखाग्राम मेक ओवर इज इस माई इंस्टा आई टी और हाँ ये मेकअप करने के लिए ना आपको बहुत ही आसान स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करोगे किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने से पहले ना हमेशा फेस को क्लीन कर ले तब आपका मेकअप ना बहुत अच्छा होगा यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ पॉन्स की लाइट जेल मॉइस्चराइजर मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर सेलेक्ट कर लेना लेकिन मॉइस्चराइजर को स्किप बिल्कुल भी मत करना और अगर आप चाहते हो ना आपका मेकअप बहुत लंबे समय तक टिके बहुत अच्छा दिखे स्मूथ दिखे तो आपको ये चीज़ लगाना ही लगाना है प्राइमर तो हमेशा ही लगाना मैं यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर ले रही हूँ बेस प्राइमर है बहुत अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो कि ऑयली स्किन वाले के लिए बहुत ही अच्छा है तो इस तरह से लगाओ कि एक ग्रिप बनाएगा आपके मेकअप में जो कि बहुत अच्छे तक आप मतलब बहुत देर तक आपकी मेकअप को होल्ड करके रखता है उसके बाद ना एक अच्छा सा आपको कंसीलर यूज़ करना है अगर आपके फेस में कोई भी अनिपरनेस है मतलब कोई भी डार्क सर्कल वगैरह है पिगमेंटेशन है सभी को कवर करने के लिए ना एक अच्छा सा कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर जो कि बहुत ही अच्छा कंसीलर है तो इस तरह से मैंने अपना स्किन टोन से ना थोड़ा सा डार्कर टोन लिया है बस दो तीन टोन डार्क आप ले सकते हैं और इस तरह से आपको अन ईवेननेस जहाँ जहाँ दिख रहा है अंडर आइज़ में माउथ के अराउंड नोज़ के अराउंड फोर हेड में हर जगह लगाना है और उसे ब्लेंड करना है और अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन तो मैंने यहाँ पी की फाउंडेशन ली है 1.6 पॉइंट है और इस तरह से डॉट 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 करके ना पूरे फेस पे लगाएंगे और इस तरह से लगाने के बाद उसे अच्छे से हम करेंगे ब्लेंड तो पहले ना मैंने फाउंडेशन को इस तरह से लगा लिया है और आइस पे भी लगा रही हूँ मैं कंसीलिंग ज़्यादा मैं आइस पे नहीं करूँगी इसलिए और इस तरह से आपको ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है वेट ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से स्क्वीज करके यूज़ कीजिए और मोशन आप देख लीजिए कितनी अच्छे से मैंने यूज़ किया है बस इसी तरह से यूज़ करेंगे डैप डैब डैब करके और कानों पर भी गले पर भी इस तरह से हम ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से यूज़ करेंगे उसके बाद ना मैंने यहाँ फिर से लिया है इन का पैलेट जिससे मैं ये कंटोर से ले रही हूँ जिससे मैं अपने फेस को कंटोर करूंगी क्रीम कंटोर कर रही हूँ इस तरह से आपको अपने स्किन टोन से डार्कर टोन लेना है फ्रेंड्स पाँच छः टोन डाल कर आप इस तरह से ले सकते हैं और इस तरह से ना आपको अच्छे से उसको ब्लेंड करना है पहले हम लगाएंगे आप देखिए कैसे कैसे हम लगा रहे हैं कहाँ पे भी आप इसी तरह से आपको लगाना है जॉ लाइन पे अपने चेकबोन पर जो भी एरियाज को आपको कट करना है वो सभी एरिया पे हम कंट्रोल करते हैं ताकि वो दब जाए कंट्रोल का मतलब ही होता है दबाना जिस फेस के जिस हिस्से को आपको दबाना है ना उसको आप कंट्रोल करेंगे अगर आपको हाईलाइट करना है हाईलाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स उभार

और इस तरह से अगर आपके चबी चिक्स हैं तो कर सकते हैं जो बचा हुआ है ब्लेंडर में मैं उससे ना फोर हेड पे भी कर लूँगी कंटोर और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ आ, लिप एंड चिक टिंट फ्रॉम लव अर्थ बहुत ही अच्छी है गाइस बहुत ज़्यादा ही अच्छी है ये वाली तो और कलर देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी सेड मुझे शायद याद नहीं है लेकिन बहुत ही प्यारी एक तो थोड़ी पिंक सेड में है तो आपको जब कोरल सेड लगाना हो आप कोरल यूज़ कर सकते हैं आपको जब पिंक लगाना हो तो पिंक यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी मैं पिंक लगा रही हूँ बहुत ही प्यारा सा ये शेड है और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने डॉट डॉट करके दिया है बस इस तरह से आपको यूज़ करना है अगर आपके पास ये नहीं है आप किसी भी लिपस्टिक पैलेट को यूज़ कर सकते इवन आप लिपस्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं बस जल्दी आपको उसे ब्लेंड करना होगा और फिर इस तरह से हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ना अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेंगे पहले आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा लग गया है लेकिन आप देखिए जैसे ही स्किन टोन में मिलता है जैसे हम इसे ब्लेंड करते हैं एकदम ही सटल लगता है देखने में उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा हाईलाइटिंग जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है नैकमी की नाइन टू फाइव कंसीलर और ये मेरे सेड से ना लाइटर है आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइटर जब भी आप हाईलाइटिंग करते हो ना फेस को तो आप ना लाइटर टोन से किया करो उससे ना आपकी फ़ेस हाईलाइटेड दिखे दिख दिखेगी सॉरी गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि आप कंट्रोल करोगे कि तो दबे तो दबेगी और हाईलाइट करने का मतलब उभारना तो हाँ उभारना मतलब आप ना यहाँ पर लाइटर सेड लोगे तो आपकी फेस जो जो एरिया को आपको उभारना है ना जिससे आपको अच्छे से मतलब पॉप अप करना है वो एरिया पे आप इस तरह से लगाओगे तो ये सारी एरिया होती है जहाँ पे भी हम हाईलाइटिंग करते हैं और ये ना जब आप फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो ना तो ये पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आती है आपकी फ़ेस बहुत ही फोटोजेनिक लगती है जब आप इस तरह से अपने फेस को हाईलाइट करते हो और ये हाईलाइटिंग ना बहुत ज़रूरी होती है जब आप मेकअप वगैरह करते हो ब्राइडल मेकअप करते हो आप इंगेजमेंट पार्टी मेकअप करते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके बाद हम इस तरह से पूरे फेस को ना ब्लेंड कर देंगे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ताकि सब मिला हुआ लगे उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पाउडर पाउडर आपको लेना है कोई भी अच्छा सा पाउडर ले सकते हैं मैंने इनसाइड का पाउडर लिया उससे पहले आपको पाउडर अप्लाई करने से पहले क्रीज लाइन को रिमूव करना है जैसे कि मैंने किया आपने देखा होगा और उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लेना है बहुत ज़्यादा एक ही बार में आपको नहीं चोपना है नहीं तो आपका मेकअप बहुत ही कीकी हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ना थोड़ा तो थो डस्ट करके ना आपने देखा होगा कि कैसे मैंने डस्ट किया और फिर मैंने लगाया बस उसी तरह से आपको करना है उसके बाद ना फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया जैसे कि मेरा हमारा पाउडर प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है अब हम यूज़ करेंगे सारे के सारे पाउडर प्रोडक्ट्स तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्स की पैलेट ली है जिससे मैंने ये ब्लश अप्लाई किया है क्यों मैं ये ब्लस अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने सेड जो मैंने क्रीम ब्लस की ली थी ना वो इसी सेड की थी इसलिए आप देख सकते कि मैं यही ब्लस यूज़ कर रही हूँ यही सेड यूज़ कर रही हूँ बहुत ही प्यारी लगेगी मतलब आप देखना लास्ट में ओवरऑल कितना ज़्यादा सुंदर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आता है अगर आपको लग रहा है ना कि ब्लस अभी ज़्यादा है तो आप वेट करो मेकअप मतलब पूरा हो जाने दो उसके बाद देखना ब्लस ना एकदम फेस में जाके सटल हो जाता है आप कभी भी मत घबराओ ब्लस आ, ब्लस से कि बहुत ज़्यादा लग रहा है नहीं वो थोड़े टाइम के बाद ना अपना आ, स्पेस ले लेगा उसके बाद ना मैंने ये सेम पैलेट से किया है कंटोरिंग और कंटोरिंग के लिए ना आप एक एंगल ब्रश ले सकते हैं इस तरह से आप देखिए कैसे हम कर रहे हैं कंट्रोलिंग जहाँ पे भी आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया था ना कंटोर का सेम उसी जगह पे करना है और फोर हेड भी इस तरह से आपको कंटोरिंग करना है जहाँ पे आपने क्रीम लगाया था वो उसी जगह पे जाके बैठ जाएगा आप जब कंटोरिंग करोगे ना आपके क्रीम प्रोडक्ट के साथ ये जाके वहाँ पर अपना स्पेस ले लेगा तो इस तरह से आपको करनी है मेकअप की एप्लीकेशन फ्रेंड्स हर चीज़ की एप्लीकेशन की अपनी टेक्निक होती है ऐसा नहीं कि यूज़ किए जा रहे किए जा रहे अपना आप ना एकदम टेक्निक से करो आपकी बहुत ही अच्छी मेकअप निकल के आएगी तो इस तरह से आपको सेम ब्रश यूज़ कर सकते हो आप स्क्वीज़ करके नोज़ को कंट्रोल करने के लिए भी और इस तरह से पहले नोज़ को कंट्रोल कर लेते हैं देखिए आप फेस कितना ज़्यादा लिफ्टेड और सुंदर लग रहा है ना इसी तरह से आपको भी करना है उसके बाद ना अब मेकअप को सेट करेंगे यहाँ पे मैंने फेसिस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे लिया था और उसके बाद ना यहाँ पे मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ मार्स की इतनी अमेजिंग पैलेट है गाइज अमेजिंग अमेजिंग पैलेट है तो इस तरह से आप ना इस तरह से दोनों सेड को मैं मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर अपने ये जो आप देख रहे हैं ना चिक बोन एप्पल अपी और चिक्स पे इस तरह से अप्लाई करना है नोज पे क्यूपिड बोन पे भी अप्लाई करेंगे चिन पे और फोर हेड पर भी अप्लाई करेंगे नोज़ टिप पे हम थोड़ा सा फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप देखोगे अभी उसके बाद ना मैं आईब्रो बोन्स को भी हाईलाइट कर लूँगी कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँच चुके हो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की सुन्दु -सुन्दु के सुंदर सुंदर मेकअप ट्यूटोरियल और मेकअप के बहुत सारे टिप्स मैं लेके आती रहती हूँ कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए मैं मेकअप के टिप वीडियोस बनाती हूँ उसके बाद ना आपको एक अच्छा सा पैलेट लेना है मैंने यहाँ स्वीस ब्यूटी का पैलेट लिया है इतनी प्यारी ये पैलेट है ना आप इससे अपनी ब्राइड भी कर सकते हो लेकिन आपको ना इस लिपस्टिक को ना फिक्स करने का तरीका आना चाहिए जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ इस तरह से आप लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद ना मैंने पिंक सेड लिया था उसे ना अच्छे से पाउडर से सेट करना इससे ना आपकी मे लिपस्टिक घंटों तक ऐसे की ऐसे ही रहेगी मतलब जैसे आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हो ना वैसा स्टेज का हो जाता है तो अगर आप क्रीम लगा रहे हो तो इससे कर ऐसा ही कर सकते हो उसके बाद मैंने पेटी ऑल सेट पैलेट लिया जिससे मैंने एक लाइट ब्राउन सेड को उठाया है मैं से कर रही हूँ सारे सेड्स सा आपको और लाइट ब्राउन सेड को ना मैंने इस तरह से क्रीज लाइन से ऊपर पूरे अच्छे से स्प्रेड कर दिया और नीचे की ओर भी मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ सेम सेड को उसके बाद मैंने यहाँ पे ना लाइट ब्राउन के साथ थोड़ा सा सॉरी फ्रेंड्स डार्क ब्राउन के साथ थोड़ा सा मैंने ना ब्लैक कलर मिक्स किया है और इस तरह से आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ उसके बाद मैंने डार्कर ब्राउन लिया था और उसे मैं तरह से अपनी क्रीज़ लाइन के राउंड ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरे क्रीज़ ना थोड़ी सी प्रोमिनेंट दिखे बस इतना ही करना है उसके बाद एक स्म सेट लिया है मैंने और इस तरह से ना इनर कॉर्नर से लेके मिड लिड तक इस तरह से मैंने अपने फिंगर से प्रेस कर दिया है उसे और उसे ना आप अच्छे से मतलब एक बार पहले ब्लेंड कर लो देखो आई हाँ, मेकअप में ना जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उतनी अच्छी मेकअप निकल के आएगी सेम सेड को मैंने नीचे लोअर लैस पे भी अप्लाई किया था और फिर से मैंने सेम सेड जो मैंने ब्लैक के साथ डार्क ब्राउन लिया था ना उसे मैंने आउटर वी पे लगाया है इस तरह से उसके बाद फिर से मैं ले रही हूँ सिमर सेट जिसे मैं ओवरलैप कर दूंगी कलर्स के साथ और इस तरह से हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है और अब मैं ना अपने आईब्रोज को थोड़ा सा डिफाइन कर लेती हूँ ब्राउन और ब्लैक दोनों को मिक्स करके सीधा ब्लैक नहीं लेना है ब्राउन ब्लैक मिक्स करके मैंने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया आईब्रो बोन्स को हाईलाइट किया और थो, सिल्वर टोन मैंने थोड़ा सा सिल्वर आ, कलर लिया है यहाँ पे सिमर का जिससे मैं अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी कुछ इस तरह से फेसिस के मैं काजल यूज़ कर रही हूँ इस बहुत ही पतली मेरी आइज ना थोड़ी सी मतलब छोटी है वेड है तो मैं ज़्यादा लाइनर वगैरह ला नहीं यूज़ करती मुझे पसंद भी नहीं है उसके बाद फाउंडेशन पैलेट की मदद से मैंने ब्लैक को थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रोक आउट किया था और मैंने कंसीलर से उसे डिफाइन कर दिया मार्स की न्यूड काजल लगा रही हूँ उसके बाद मैंने लगाया लेसेस मस्करा से ऊपर और नीचे के लैसेज को मैंने कोट किया एंड दिस इज गोइंग टू विद फाइनल लुक तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको सिंपल एंड uh, बहुत ही शॉर्ट मेकअप ट्यूटोरियल सिखाया है उम्मीद करती हूँ कि बिगिनर्स को बहुत ही पसंद आई होगी सीखा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो चैनल पे तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़